रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रविवार को BJP अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ नहीं जुड़ा था। आर्टिकल 370 पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब मेरा कार्यक्रम तय हुआ तो उस समय न मुझे मालूम था और न ही पार्टी को ही मालूम था। जब ये कार्यक्रम होगा तो महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा होने के बाद होने वाला सबसे पहला कार्यक्रम होगा। ये हर्ष का विषय है कि महाराष्ट्र चुनाव का श्री गणेश अनुच्छेद 370 को हटाने के परिचय के कार्यक्रम से हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस और NCP वाले कहते हैं कि ये नहीं हुआ तो जीत जाएंगे, वो नहीं हुआ तो जीत जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, महाराष्ट्र में NDA की सरकार 3/4 बहुमत के साथ बनना तय है। शाह ने कहा, हम अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। जब से अनुच्छेद 370 और 35A अस्तित्व में आई, तब से जनसंघ और भाजपा ने इसका विरोध किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए और उस समय वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो बिना परमिट के गए थे। उन्हें शेख अब्दुल्ला द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये जनसंघ से लेकर आज तक का हमारा नारा रहा है। इसी नारे के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। अमित शाह ने कहा कि 370 हटना भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भारत माँ को एक और अखंड बनाने का संकल्प है जो मोदी जी ने पूरा किया है। कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखाई देती है, हमें इसमें देशभक्ति दिखती है। बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव कराने की घोषणा की है। मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। लोकसभा चुनाव 2019 में भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी के साथ यह पहला विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा 2014 के मुकाबले अधिक मजबूत दिख रही है। पिछले चुनाव में पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूत स्थिति में थी। दूसरी ओर कांग्रेस विदर्भ मराठा और मुंबई के अपने मजबूत गढ़ को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। हालांकि शिवसेना ने कोंकण में अपना बहुमत आधार कायम रखा है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।